हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गीता, इनरोचिंग गीताज ऑनलाइन टिप्स। गाइस, आज मैं आपके सामने जिन जॉब वैकेंसीज के बारे में शेयर करने जा रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी लोकेशन में रहते हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, अगर आपका प्रोफाइल में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। बॉयज़ गर्ल्स कोई भी गाइस इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, अगर बात करें यहाँ पे जिस कंपनी में वैकेंसीज निकली हुई हैं, वो है एक्स्ट्रा मार्क्स। के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो कि रिलेटेड होते हैं प्री स्कूल से लेकर 12th तक के लेवल के यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी हायर स्टडीज़ के यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल के यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम होता है। एक्स्ट्रा मार्क्स गाइज एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, इंडिया के अलावा भी काफ़ी सारी सिटीज़ में काम करती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इसके अलावा काफ़ी सारी सिटीज़ में काम कर रही है। तो एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी है। कंपनी के बारे में मैं थोड़ा इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ, एटलीस्ट जहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस प्रोफाइल के बारे में आप मतलब इंटरेस्टेड हैं, एटलीस्ट आपको ये पता हो आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो आप इसके बारे में अलग से गूगल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अच्छे खासा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करता है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अगर नहीं मैच करता है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आपको सेम प्रोफाइल में आपको एक्सपीरियंस है, यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मैंडेटरी मांगा है। गाइज, जिस प्रोफाइल पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो है परचेज एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है। परचेज एग्जीक्यूटिव के अलावा अगर आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वेंडर किसी तरीके से भी आपने काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। एटलीस्ट आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है। आप अगर बीटेक हैं तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, साथ में जो एक मैंडेटरी चीज है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो गाइज, अगर बात करें यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो देखिए जैसे कि आपका परचेज डिपार्टमेंट में काम करना है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो अगर आप परचेज डिपार्टमेंट में, आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, आपको वेंडर्स पे ध्यान देना है, आपको किस लोकेशन में वेंडर्स हैं, किस में रिक्वायरमेंट है लोकेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेंडर्स को हायर भी करना है, उनका इंटरव्यू भी शेड्यूल कराना है, आपको मैनेज करना है परचेज डिपार्टमेंट में क्या सामान की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में किस सामान की ज़्यादा डिमांड है, उनके अकॉर्डिंग आपको डिमांड पूरी करनी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पूरी तरीके से जो भी गुड्स हैं, जो भी परचेज हो रहा है सामान, उसका पूरा एक मेंटेन, आपको डेटा मेंटेन करके यहाँ पे चलना है। कुछ गाइज इन्होंने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ज्यादा एक्सप्लेन में मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पे अच्छे से रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ के, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ के, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सही लगता है तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा गाइज, जैसे कि लोकेट वेंडर्स ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट और सप्लाई एंड इंटरव्यू देम इन ऑर्डर टू डिटरमाइन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रिपेयर एंड प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड परचेज ऑर्डर फॉर सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड ऑर्डर्स एंड रिसीव्ड, कंट्रोल परचेजिंग डिपार्टमेंट बजट, इसके अलावा आपको एनालाइज करना है मार्केट एंड डिलीवरी सिस्टम इन ऑर्डर टू एसेट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर मटेरियल अवेलेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है परचेज डिपार्टमेंट में, जो भी चीज़ होती है, सप्लाई होता है, वेंडर्स होता है, कहाँ वेंडर्स की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड हो रही है, आपको उनकी रिक्वेस्ट का आपको ध्यान रखना है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सब चीज़ें हैं, अगर आपको जॉब प्रोफाइल सही लगती है तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। ये मैंने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी है, इसके अलावा डिटेल में जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सैलरी की, जो सैलरी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 40,000 तक का पैकेज ये प्रोवाइड करेंगे आपको, जो सैलरी है 5 लाख पर एनम तक का पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। एक फुल टाइम जॉब है गाइस, काफी अच्छी जॉब है, काफी अच्छी कंपनी में वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैच करता है तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। आपको घर से ही काम करना है और इंटरव्यू भी आपको यहाँ पे घर से ही होना है। सो गाइज, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।